feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. I'm Hey दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल. माय नेम इज बी एंड आज हम दुबई डायरीज के एपिसोड 2 एंड डे 1 में है. सो जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि दुबई आने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, एंड ये सब बताते हुए हम आपके साथ दुबई पहुंचे थे और यहाँ पे आपको रास्तों का नज़ारा दिखाते हुए हम पहुंचे थे अपने होटल रोज पार्क. सो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये रोज पार्क होटल ठीक मशरक मेट्रो स्टेशन के सामने है, एंड ये होटल हमने इसीलिए ऑप्ट किया था ताकि हमें कहीं भी घूमने जाना हो, बी इट एनी पार्ट ऑफ द दुबई, तो हमारा ट्रैवलिंग एक्चुअली इजी हो जाएगा मेट्रो से, एंड इसीलिए भी कि लौटते भी वक्त हम वापस इस मेट्रो से हमें बस कहीं किसी भी एक्टिविटी पॉइंट से बस नियरेस्ट मेट्रो तक पहुंचना होगा, एंड एज सून एज वी गेट इन द मेट्रो वी कैन रीच आवर मशरक मेट्रो स्टेशन एंड देन टू आवर होटल. सो सिंस हमारा एक एडवेंचरस ट्रिप है और हमें काफ़ी जगह पे आना जाना है, तो इसीलिए हमने ये होटल ऑप्ट किया ताकि हमारा ट्रैवलिंग बेसिकली इजी हो जाए इस जगह से. एंड होटल में चेक इन करते वक्त दे टेक फ्रॉम यू दी एंटायर पेमेंट फॉर दी 7 और 8 डेज, तो यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पूरे 7-8 दिन का पेमेंट कर सकते हैं और अपने रूम में आराम से चेक इन करके रेस्ट कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक अराउंड दी होटल, कम विथ मी. होटल का व्यू जहाँ पे सारी बेसिक एमेनिटीज है, वैसे भी हमें यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट करके निकलना है, निकल के सीधा रात में रेस्ट करने हम इधर आएंगे. सो एनीवे लेट्स हेड ऑन टू द मेट्रो स्टेशन. यहाँ पे जब से हम पहुँचे तब से हमने जितनी एग्जॉटिक कार्स देखी है, इट्स लाइक वाओ, हाउ इज दिस पॉसिबल. यहाँ पे एक्चुअली ना सिर्फ कार्स यहाँ अवेलेबल है बल्कि उन कार्स को इज्जत देने के लिए उतने ही अच्छे रोड्स भी अवेलेबल है. सो गाइस सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन. एक्चुअली इंडिया में हम निसान किक्स ही ड्राइव करते हैं, एंड यहाँ पे अपनी गाड़ी को देख के हम अलग ही एक्साइटेड हो गए. वाओ, दुबई में चलता हुआ निसान किक्स अलग ही सेक्सी लग रहा है ना. एंड माइंड ब्लोइंग इज दी आर्किटेक्चर ऑफ दुबई. जहाँ पे हम ये जस्ट जिस जगह पे भी खड़े हैं, यहाँ पे इतनी तेज़ हवा बह रही है, इतनी तेज़ कि मतलब एक तरह से हमको लगता है बिल्डिंग का आर्किटेक्चर ये लोग इसी डिज़ाइन से करते हैं कि हवा का डायरेक्शन इसी तरफ बहे, ताकि अगर कोई रास्ते पे चल भी रहा है तो उसे एक बूंद पसीना ना हो. एनीवे तो हम मेट्रो स्टेशन में घुस चुके हैं जहाँ के दरवाजे अगेन ऑटोमेटिक है, मतलब इट डजेंट नीड ए पर्सन टू ओपन द गेट एवरी टाइम. सो बेस्ट कोरोना ऑल्टरनेटिव. सो अब हम लोग यहाँ पे कुछ लोग जो है अपने कार्ड का रिचार्ज खुद कर रहे हैं, और अभी हम जाएंगे नया NOL कार्ड लेने. हम दोनों जन के लिए 110 पर पर्सन है, तो 220 धीरम्स लगेगा. एंड ये NOL कार्ड लेके अब हम
सात दिन तक किसी भी मेट्रो ट्रेन में, किसी भी ट्राम में, किसी भी बस में हम लोग फ्री राइड कर सकते हैं। अनलिमिटेड राइड्स मिल गए अब हमें, तो 7 days तक अनलिमिटेड टेंशन फ्री राइड लीजिए विथाउट एनी टेंशन ऑफ गेटिंग दी NOL कार्ड रिचार्ज एवरी टाइम यू गेट ऑन दी मेट्रो। सो मस्त यही वाला पैकेज ले लीजिए एंड लेकर अपना घूमना फिरना शुरू कीजिए। Can see how clean is this metro station, how clean are the trains and how responsible are the people here, कि ये लोग, मतलब ये लोग भी obviously कोई भी country clean ना सिर्फ वहाँ के cleaners की वजह से होते हैं बल्कि हर एक citizen की वजह से भी होते हैं जो कि responsibly country को clean रखने में अपना अपना contribution देते हैं। So I like this thing here. आइए अब मेट्रो में दुबई का नज़ारा दिखाते हुए हम आपको इस NOL कार्ड को स्वाइप करने का भी तरीका बताते हैं। आप जब भी किसी मेट्रो स्टेशन में एंट्री करते हैं तो वहाँ आपको पहले स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आपके लिए गेट खुलेगा जिससे आप उस मेट्रो स्टेशन में एक्चुअली एंटर करेंगे जहाँ से आप ट्रेन्स वगैरह ले सकेंगे, मेट्रो ट्रेन्स। एंड फिर जिस स्टेशन पर आप उतरेंगे वहाँ से निकलने के लिए भी अगेन यू नीड टू स्वाइप, देन यू इट विल शो यू चेकआउट सक्सेसफुल एंड तभी आप निकलेंगे। एंड इस तरह से ये कैलकुलेट होता है कि आप कौन से मेट्रो से कहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये कार्ड पे पूरा ट्रैक होता है ये सब कुछ। तो जहाँ भी मेट्रो स्टेशन से आपको जर्नी स्टार्ट करनी है वहाँ आपको डिस्प्ले होगा चेक इन सक्सेसफुल। सिमिलर इज द केस इन द बसेस, बसेस में भी जहाँ से भी आप चढ़ेंगे देर इज अ मशीन देयर वेयर यू हैव टू स्वाइप योर कार्ड एंड वहाँ पे आपको चेक इन सक्सेसफुल का मैसेज दिखाएगा। एंड जहाँ भी आप उतरेंगे वहाँ भी आपको स्वाइप करना है जहाँ पे चेकआउट सक्सेसफुल का भी मैसेज दिखाएगा। सो अगर आपने किसी भी वक्त में चेक इन या चेकआउट में से कोई भी पार्ट मिस कर देते हैं तो वहाँ पे 200 dirham यानी कि ₹4,000 तक का फाइन भरना पड़ सकता है। सो नेवर डू दी सेम, हमेशा ध्यान से आप चेक इन एंड चेकआउट ध्यान से कीजिएगा बिकॉज जब आपको कोई चेक नहीं कर रहा, जब आपके लिए इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारे मशीन्स ऑलरेडी प्लेस किए गए हैं हर मेट्रो स्टेशन पे, हर बसेस में, तो अब थोड़ा सा आपको भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा कि आप कोई भी पार्ट चेक इन या चेकआउट का मिस ना करें। बिकॉज वेन यू आर इन अ फॉरन लैंड तो इट्स नॉट ओनली दैट यू रिप्रेजेंट ओनली योर सेल्फ, इट्स यू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। सो कभी भी कहीं भी जस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली, इफ़ यू डोंट नो सर्टेन थिंग्स तो आस्क पीपल अराउंड। दुबई में लोग काफ़ी फ्रेंडली है एंड आप किसी से भी कुछ भी अगर पूछेंगे दे विल डेफिनेटली गाइड यू बेटर। ये देखिए यहाँ पे 200 dirham के फाइन के बारे में भी यहाँ वार्निंग दी हुई है एंड बसेज में भी कैमराज वगैरह अच्छे से इंस्टॉल रहते हैं तो इससे ये तो पता चलेगा कि कौन से बसेज में कब किसने कैसे ट्रैवल किया एंड ऑल। सो स्वाइप करो एंड खुश रहो। दुबई के बारे में जब हम बता ही रहे हैं तो ये भी आपको ज़रूर दिखाएंगे कि दुबई के रोड्स कितने ही क्लीन हैं। एंड यहाँ पहुँचते वक्त जब जो हमने कैब किया था उसके ड्राइवर ने हमें ये भी बताया कि अगर रात में कोई रोड टूटता है तो वो सुबह होने तक रिपेयर भी हो जाता है। सो विच इज़ अ गुड थिंग, गुड मैनेजमेंट सिस्टम आई विल से, कि यहाँ पे लोगों को कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है अबाउट दी रोड कंडीशंस एंड ऑल, यहाँ पे अपने आप मैनेजमेंट ये सब चीज़ों का ख्याल रखती है। बट यहाँ जो गूगल मैप है वो कुछ रास्ता इस तरह से बताती है कि वो अभी तक हमें मॉल के एंट्रेंस से घुसने का रास्ता दिखा रही थी 2.5 kilometers अवे। सो इसीलिए हम पार्किंग से ही अपना रास्ता ढूंढते हुए मॉल के अंदर घुस रहे हैं। सो अब हम पहुंच चुके हैं स्की दुबई एंड इसका व्यू हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे दुबई जैसी रेगिस्तान पे इन लोगों ने बर्फ की पूरी दुनिया बना ली है। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बट जाने से पहले आई वुड डेफिनेटली से कि हमारे स्की दुबई का एक छोटा सा झलक आप ज़रूर देखते जाइएगा।